राधा किचन से बबीता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट और टेस्टी आम का पना, जो पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। आइए फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं आम का पना। हमने इसके लिए 3 आम उबाल के लिए है। उबाल के हमने काट के इस तरह से और उबाल लिया था, और हमने 20-25 पत्ते लिए हैं पुदीने के, और आधा चम्मच हमने भुना हुआ जीरा थोड़ा दलदला कर दिया है, ऐसे लिया है। और हमने आधा चम्मच सौंफ को पानी में भिगो के लिया है, 1 घंटा भिगो दिया था। आधा चम्मच काला नमक लिया है और चीनी लिया है 1 कप, और आप इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं स्वाद अनुसार, और चाट मसाला भी डाल सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं आम का पना। हम अपने आम को इसमें डाल देते हैं जग में। हमने पत्तों को धो लिया था इस तरह से, पत्ते डाल देंगे हम पुदीने के, और थोड़ा जीरा डाल देंगे, और सौंफ भीगी हुई भी डाल देंगे हम इसमें। काला नमक डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, और हमने जो आमे का पानी था उबाली थी हमने, इसी में से पानी यूज करना है। थोड़ा सा डालेंगे और इसको पीसेंगे। देखिए हमारा पीस चुका है। अब हम इसमें हमारा जो आमी का पानी था वाला वा हम ये मिक्स कर देंगे। अब इसको छान भी सकते हैं, वैसे हमें ऐसी टेस्ट अच्छा लगता है, मुंह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम नहीं छानेंगे, आपको छानना हो तो आप छान भी सकते हैं। इसमें अब आइस डालेंगे। और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है, हम इसे सर्व करेंगे। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा पानी पुदीने के पत्ते से गार्निश कर देंगे। तैयार है हमारा आम का पना, बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही टेस्टी। यह आम का पना हमें रोज पीना चाहिए गर्मी के मौसम में, इसे भी होने लगती है, और गर्मी से होने वाली सभी बीमारियां दूर रहती है। अगर आपको हमारी यह आम का पना बनाने की रेसिपी पसंद आई तो